जेडीयू से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का राज्यसभा के लिए टिकट कटने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी तलखियां कम नहीं हुई है। देखिए, जब कोई तस्वीर दिखा रहे हैं, ये गरीब सम्मान सम्मेलन का गरीब कल्याण सम्मेलन का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, गिरिराज सिंह सहित बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया था। वो तमाम लोग मौजूद भी हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी प्रधानमंत्री ने एक तरह से आग्रह किया था कि वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल है। लेकिन जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए, दोनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में मात्र गिरिराज सिंह की ही एक कुर्सी है और मात्र 2 से 4 फीट की दूरी है। लेकिन इन 4 फीट की दूरी के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार ही मात्र दोनों के बीच में अभिवादन हुआ है, किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। आरसीपी सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी न तो किसी मुद्दे पर बात हो रही है, न ही दूसरे कोई हालचाल की बात हो रही है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरह से आरसीपी सिंह का जेडीयू से टिकट कटा है, और खुद मुख्यमंत्री ने भी कल कहा था कि आरसीपी सिंह पार्टी के समर्पित नेता है और उनकी जिम्मेवारी तय होगी। लेकिन जिस तरह से दोनों के बीच में किया है, आरसीपी सिंह भले ही इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी है, लेकिन आने वाले समय में ये जेडीयू के लिए एक बड़ा संकेत भी दिख रहा है कि अगर आरसीपी सिंह के का गुट जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा कुछ असर करे आने वाले समय में, जेडीयू के एक जो नाराज खेमा है उसको और बल मिले। तो कहने का ये जो तस्वीरें दिख रहा है, इस तस्वीरों से ये बिल्कुल साफ हो रहा है कि आरसीपी सिंह और मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के बीच में जो तलखिया है, वो तलखिया जो है वो अभी भी बरकरार है, और आने वाले समय में उनकी तलखिया और कितनी बढ़ेगी, जेडीयू का जो नाराज गुट है वो कितना और सक्रिय होगा, ये आने वाले जेडीयू के लिए अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं। कैमरा रणधीर के साथ अनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।